हाय, इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन 31 टू सेक्शन 35 ऑफ सेल्स ऑफ गुड डेट को समझेंगे। अब यहां तक हमने सेक्शन 30 कवर कर लिया, हमें पता है सेक्शन 30 तक क्या दिया गया है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर। अब ये जो चैप्टर है, मतलब जो भी यहां से सेक्शन 31 से स्टार्ट हो रहा है, यहां पे हमें परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात हो रही है। अब जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है वो बेसिकली किस चीज के बारे में बात कर रहा है, वो बात कर रहा है गुड्स के लिए ही जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया उसकी परफॉर्मेंस के बारे में। मतलब और जो बाकी चीजें बाकी चैप्टर्स के अंदर दी गई है वो तो दी गई है, उसके अलावा जो ये चैप्टर है हमारा जिसको चैप्टर 4 है जो इस एक्ट का, वो परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहा है। मतलब आप गुड्स को बेचने खरीदने के लिए भी तो एक कॉन्ट्रैक्ट ही करते हो, तो उसको किस तरीके से परफॉर्म करना है उसके बारे में बात करता है। तो देखिए, जो सबसे पहले सेक्शन 31 है उससे पहले अगर हम देखें कि क्या तरीका होगा, जैसे मान लीजिए मैं सेलर हूं आप बायर हो, अब हमारे बीच में कोई एग्रीमेंट होता है कि जिसके अंदर हम इस तरीके से एग्री करते हैं, जिसके अंदर मैं ये बोलता हूं कि मैं अपनी जो पेमेंट है, सॉरी जैसे आप बायर हैं तो हम इस तरीके के एग्रीमेंट करते हैं कि जो आपकी पेमेंट है, जो आपने मुझे पेमेंट करनी है वो आप मुझे 5 इंस्टॉलमेंट में करोगे, ठीक है। या फिर मैं सेलर हूं तो मैं आपको ये बोलता हूं कि जब आप मुझे इतने इतने पेमेंट कर दोगे तब मैं आपको गुड्स दे दूंगा, बाकी पेमेंट आप मुझे बाद में कर देना। तो या तो हम अपने एग्रीमेंट के अंदर ये रूल्स डिसाइड कर लें कि किस तरीके से हम अपने जो परफॉर्मेंस है कॉन्ट्रैक्ट की करेंगे, कि कौन कब पैसे देगा, प्राइस देगा, जो कंसिडरेशन होता है यहाँ पे प्राइस ही होता है, और किस तरीके से गुड्स डिलीवर होंगे। तो या तो हम अपने एग्रीमेंट के अंदर डिसाइड कर लें, अगर हम ये चीज अपने एग्रीमेंट अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिसाइड नहीं करते तो फिर जो यहाँ पे सेक्शंस होते हैं उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि किस तरीके से डिलीवरी करनी है, किस क्या क्या रूल्स होंगे डिलीवरी करने के, पेमेंट करने के, तो वो सारे में दिए जाते हैं। सबसे पहले हम सेक्शन 31 के ऊपर आते हैं। सेक्शन 31 हमें इतना बोलता है ड्यूटीज ऑफ द सेलर एंड बायर, कि क्या ड्यूटीज होती है सेलर और बायर की। सेलर कौन होता है ये हमने सेक्शन 2 में समझा था। सेलर मतलब वह व्यक्ति जो गुड्स को बेच रहा है या फिर बेचने के लिए तैयार है। बायर वह व्यक्ति होता है जो गुड्स को खरीद रहा है या फिर खरीदने के लिए तैयार है। अब अगर हम इस सेक्शन को रीड करें तो बोलता है इट इज द ड्यूटी ऑफ द सेलर टू डिलीवर द गुड्स एंड ऑफ द बायर टू एक्सेप्ट एंड पे फॉर देम इन अकॉर्डिंग विद द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स। तो बेसिकली ज्यादा कुछ इस सेक्शन में बोला नहीं गया है, यह सेक्शन इतना ही बताता है कि सेलर की क्या ड्यूटी होती है। सेलर की यह ड्यूटी होती है कि वो क्या करे गुड्स को डिलीवर कर दे। उसका काम इतना ही तो है कि वो गुड्स को डिलीवर कर रहा है, उसके बाद जो गुड्स हैं वो बायर को दे दे। और बायर का क्या काम है कि वो जो उसके प्राइस है जिसके लिए उसने वो गुड्स खरीदे हैं उसको प्राइस पे कर दे और जो उसकी डिलीवरी है उसको एक्सेप्ट कर ले। तो ये दोनों की ड्यूटीज हैं, ये दोनों के काम है कि उनको ये करने हैं अगर वो इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जो सेक्शन 31 है उसके अंदर उसकी उन दोनों की ड्यूटीज बताई गई हैं, सेलर और बायर की। फिर अगर हम आए सेक्शन 32 के ऊपर तो हमें बताता है पेमेंट एंड डिलीवरी आर कॉन्करेंट कंडीशंस। दोनों कॉन्करेंट कंडीशंस है, एक साथ एग्जिस्ट करती है पेमेंट और डिलीवरी की जो कंडीशंस है। मतलब जब अभी सेक्शन को रीड करते हैं तो हमें बताता है कि जो सेलर होता है वो रेडी एंड विलिंग होना चाहिए किस चीज के लिए, गुड्स की डिलीवरी देने के लिए, उनको सेल करने के लिए। और जो बायर होता है, जो परचेजर होता है, वो रेडी एंड विलिंग होना चाहिए उन गुड्स को खरीदने के लिए, उनकी डिलीवरी लेने के लिए और उनकी पेमेंट देने के लिए। तो अगर हम इसको पढ़ें क्या बोलते हैं, अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड या एग्रीड डिलीवरी ऑफ द गुड्स एंड पेमेंट ऑफ द प्राइस आर कॉन्करेंट कंडीशंस की। ये दोनों क्या है, कॉन्करेंट कंडीशंस है, डिलीवरी देना और पेमेंट लेना उसकी। दैट इज टू से द सेलर शैल बी रेडी एंड विलिंग टू गिव पोजेशन ऑफ द गुड्स टू द बायर की। जो है वो क्या होना चाहिए, रेडी एंड विलिंग होना चाहिए बायर को पोजेशन देने के लिए गुड्स को। कौन, सेलर। रेडीनेस और विलिंगनेस क्या होती है, हमने पहले भी डिस्कस किया तो आपको एग्जैक्टली पता होगा, जब हमने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पढ़ा था या फिर हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा था वहां पे भी हमने इन दोनों टर्म्स को समझ रखा है, तो अगर आपने वो देखा तो आपको समझ आ जाएगा। तो रेडी एंड विलिंग होना चाहिए कौन, बायर, सेलर, बायर को गुड्स का पोजेशन देने के लिए। ऐसे ही जो बायर है, इन एक्सचेंज फॉर द प्राइस एंड द बायर शैल रेडी एंड विलिंग टू पे द प्राइस इन एक्सचेंज ऑफ द पोजेशन ऑफ द गुड्स, कि वो जो है प्राइस देने के लिए तैयार हो, रेडी एंड विलिंग हो, रजामंद हो उसको देने के लिए। तो ये दोनों चीजें होनी चाहिए, वो प्राइस के बदले पोजेशन रेडी एंड विलिंग होना चाहिए देने के लिए, और ये पोजेशन के बदले प्राइस विलिंग एंड रेडी होना चाहिए देने के लिए।
तो ये सेक्शन 32 के अंदर हमें बता रखा है कि ये दोनों कंडीशन क्या है, कॉन्करेंट है, कॉन्करेंट है, एक साथ एग्जिस्ट करती हैं ये। अगर दोनों में से एक भी मिसिंग होगी तो फिर तो वो हुआ ही नहीं, माना ही नहीं जाएगा वो। अब अगर कोई किसी को गुड्स फ्री में दे रहा है तो गिफ्ट आ जाएगा, अगर वो सामान के बदले सामान दे देगा एक्सचेंज आ जाएगा, बार्टर आ जाएगा, तो फिर वो चीज तो रहेगी नहीं ना, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा ही नहीं। फिर आते हैं हम सेक्शन 33 के ऊपर जो बात करता है डिलीवरी के बारे में, कि किस तरीके से गुड्स की जो डिलीवरी होती है वो बायर को दी जाती है। गुड्स की डिलीवरी बेसिकली हम देखें तो तीन तरीके से दी जा सकती है, या तो एक्चुअल डिलीवरी की जा सकती है, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी की जा सकती है, सिंबॉलिक डिलीवरी की जा सकती है। एक्चुअल डिलीवरी कैसे होगी, जो गुड्स थे वो मैंने बायर के पजेशन के अंदर दे दिए तो वो एक्चुअल डिलीवरी हो गई। और उसके बाद मैंने बोली कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी मतलब कि जैसे कि अगर आप बायर हैं तो अगर मैंने वो गुड्स किसी तीसरे व्यक्ति को डिलीवर किए किसके कहने पे, आपके कहने पे, तो वो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी है। सिंबॉलिक डिलीवरी होती है जहां पे एक्चुअल में डिलीवरी नहीं होती लेकिन वो सिंबॉलिक होती है, दिखाने के लिए होती है। जैसे अगर मैंने आपको एक कार बेची तो कार की कीज मैंने आपको पकड़ा दी, तो यहाँ पे वो डिलीवरी कैसे की, मैंने सिंबॉलिक डिलीवरी दी, उठा के गाड़ी आपको मैं नहीं दे सकता। यहाँ पे डिलीवरी कैसे होगी, सिंबॉलिक डिलीवरी होगी। अगर मैं आपको घर बेच रहा हूँ, अगर मैं जैसे कहीं पे हमने बैठ के एक दूसरे को घर बेचा, तो वहां पे मैं आपको डिलीवरी कैसे दूंगा, सिंबॉलिक डिलीवरी दूंगा। उस घर की जो कीज होंगी, चाबियां होंगी, वो मैं आपको पजेशन के अंदर दूंगा, तो वो क्या है, डिलीवरी हो रही है। किस तरीके की, सिंबॉलिक डिलीवरी हो रही है। तो ये तीन तरीके की डिलीवरी बेसिकली यहाँ पे आती है। सेक्शन क्या बोलता है, सेक्शन 33 जो है वो बोलता है डिलीवरी ऑफ गुड्स सोल्ड में भी 33, हाँ, डिलीवरी ऑफ गुड्स सोल्ड में भी मेड बाय डूइंग एनीथिंग विच द पार्टीज एग्रीज शेल बी ट्रीटेड एज डिलीवरी। तो जिस भी चीज के ऊपर पार्टीज एग्री हो रही है कि इस तरीके से करनी है, इस तरीके से करनी है, तो अगर उस चीज को कर देते हो तो उस तरीके से डिलीवरी मानी जाती है। और विच हैज इफेक्ट ऑफ पुटिंग द गुड्स इन द पोजेशन ऑफ द बायर, या फिर कोई भी ऐसी चीज जिसके कारण जो गुड्स हैं वो किसके पोजेशन के अंदर आ रहे हैं, बायर के पोजेशन के अंदर आ रहे हैं। और ऑफ एनी पर्सन अथोराइज टू होल्ड देम ऑन हिज बिहाफ, या फिर कोई भी व्यक्ति जो कि बायर के बिहाफ पे अथोराइज है उन गुड्स को होल्ड करने के लिए, जिसको हम क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी बोलेंगे। तो ये तीन तरीके की डिलीवरी सेक्शन के अंदर बताई गई, एक्चुअल डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी या कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव जब कोई व्यक्ति जिसको अथोराइज किया गया है उसको मैं दे देता हूँ, सिंबॉलिक जहां पे किसी भी तरीके से उसके पास पोजेशन आ रहा है दिखाने के तौर पर लेकिन एक्चुअल पोजीशन भी उसके पास जा ही रहा है, मतलब पोजीशन जा तो रहा है लेकिन सिंबॉलिक तौर पर जा रहा है। मैंने उठा के गाड़ी उसके हाथों में नहीं रख दी, मैं उसको कीज पकड़ाऊंगा उसकी। ऐसी एक्चुअल के अंदर जैसे गुड्स हैं, मैंने उसको कोई गुड्स बेचे तो मैं उसको एक्चुअल में पोजीशन उसका दे के आऊंगा, तो वो क्या होता है, एक्चुअल डिलीवरी करना। तो सेक्शन 33 के अंदर हमें ये बात बता रखी है। फिर आते हैं हम सेक्शन 34 के ऊपर, इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी। अब क्या होता है कि जैसे कोई गुड्स होते हैं तो गुड्स जो होते हैं कई बार हम पूरे डिलीवर एक बारी में नहीं करते, उसका कुछ पार्ट बायर को डिलीवर किया जाता है, तो उसका इफेक्ट क्या होता है। उसका इफेक्ट बेसिकली उनकी इंटेंशन के ऊपर डिपेंड करता है कि उनकी इंटेंशन क्या है, कि पार्ट डिलीवरी करने से उनकी इंटेंशन क्या है। क्या बोलता है सेक्शन, ये बोलता है अ डिलीवरी ऑफ पार्ट ऑफ गुड्स इन प्रोग्रेस ऑफ द डिलीवरी ऑफ द होल हैज द सेम इफेक्ट फॉर द पर्पस ऑफ पासिंग द प्रॉपर्टी इन सच गुड एज द डिलीवरी ऑफ द होल। कि अगर कोई पार्ट उसका डिलीवर कर दिया जाता है तो उसको इसी तरीके से ट्रीट किया जाएगा जैसे कि पूरी प्रॉपर्टी, मतलब पूरा गुड जो है वो उसको ट्रांसफर कर दिया गया है, पोजेशन में दे दिया गया है। बट अ डिलीवरी ऑफ पार्ट ऑफ द गुड्स विद द इंटेंशन ऑफ सीवियरिंग इट फ्रॉम द होल डज नॉट ऑपरेट एज अ डिलीवरी ऑफ द रिमाइंडर। लेकिन जहां पे हमारी इस तरीके की इंटेंशन थी कि मैं बायर को एक पार्ट डिलीवर करूं उस गुड्स में से, किस लिए, सीवियर करने के लिए, अलग करने के लिए से, करने के लिए फुल में से, तो वहां पे मेरी इंटेंशन कैसी थी कि मैं उसकी पूरी डिलीवरी नहीं करना चाहता, तो वहां पे वो क्या मानी जाएगी, पार्ट डिलीवरी ही मानी जाएगी, वहां पे उस गुड्स की फुल डिलीवरी नहीं हुई। तो ये बेसिकली हमारी इंटेंशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हम उसकी पूरी डिलीवरी करना चाह रहे हैं या हाफ डिलीवरी करना चाह रहे हैं। अगर हमारी इंटेंशन ही ऐसी थी कि हम पूरे गुड्स में से सिर्फ सीवियर करके उसको कुछ पार्ट डिलीवर करना चाहते हैं, तो वहां पे उसकी पार्ट डिलीवरी ही मानी जाएगी, अदरवाइज उसकी होल डिलीवरी हो जाएगी अगर कोई उसका पार्ट डिलीवरी भी ले लेता है तो। फिर आती है ड्यूटी ऑफ बायर टू आस्क फॉर डिलीवरी, जो कि सेक्शन 35 के अंदर दी गई है, कि क्या किसकी ड्यूटी दी गई है, जो जो कौन है, बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी, कि जो बायर है उसको सेलर को जाके बोलना पड़ेगा कि मेरे को डिलीवरी दे दो। अगर वो नहीं बोलेगा ऐसा, अगर वो नहीं बोलेगा तो फिर उसकी वो डिलीवरी कैसे देगा उसको।
तो इसकी ड्यूटी है बायर की कि वो डिलीवरी के लिए बोले उसको, अ डिलीवरी ऑफ पार्ट, सॉरी, हाँ, अपार्ट फ्रॉम एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट द सेलर ऑफ गुड इज नॉट बाउंड टू डिलीवर देम अंटिल द बायर अप्लाइज फॉर डिलीवरी। या तो उन्होंने एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कर रखा हो इस तरीके की कि मैं नहीं बोलूंगा आगे, बायर नहीं बोलेगा कि मुझे इसकी डिलीवरी दे दे या मुझे इसकी डिलीवर कर दे, वो उनके बीच में एक्सप्रेसली या तो ये बात हो गई हो, अदरवाइज अदरवाइज जो सेलर होगा वो बायर को वो गुड्स डिलीवर नहीं करेगा जब तक कि बायर आके उससे नहीं बोलता कि मुझे ये गुड्स डिलीवर कर दी जाए, तब तक सेलर उसको गुड्स डिलीवर नहीं करेगा सेक्शन 35 के हिसाब से। तो ये चीजें सेक्शन 31 टू सेक्शन 35 दी गई हैं। इसके बाद हम अपनी आगे आने वाली वीडियोस के अंदर पूरे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को कवर करेंगे। हमने यहां तक सेक्शन 35 को कवर कर लिया है, फिर सेक्शन 36, 37 उनमें क्या दिया गया उनको देखेंगे। तो अगर आपको वीडियोस ठीक लगी हो, अच्छी लगी हो, तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि अगर आपको कैसी लगी, क्या जो भी चीज़ थी इसके अंदर, और अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो वो भी कमेंट कीजिएगा, मैं उनको क्लियर करूंगा। इससे पहले वाली वीडियोस के अंदर मैंने केस लॉज शेयर किए थे, इन 4-5 सेक्शंस के अंदर ऐसे कोई खास केस लॉज है नहीं, या फिर ऐसी कोई खास डिटेल है नहीं जिसके ऊपर हम ज़्यादा डिस्कस कर सकें। तो इन सेक्शन से इतना ही, अगर इनको आप इतना भी पढ़ोगे तो आपके जो एग्जाम्स है उसके लिए काफ़ी है, इनफ है। जो बाकी जैसे सेक्शन 25 था, 23 था, 29, 30, 27 जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है उसको मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस कर रखा है, तो उनको आप देख सकते हो। इस वीडियो के लिए इतना ही।